जी फाइनली आपने देखा है फिल्म एक विलन रिटर्न्स, क्या कहेंगे? आपने फर्स्ट शो आपने देखा है, कितना एंगेजिंग था, कितना इंट्रिगिंग था, कैसा लगा? मुझे अच्छी लगी पिक्चर, चारों जो किरदार है उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया है, तारा, दिशा पटनी, अर्जुन एंड जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम तो मजे हुए कलाकार है जी। अर्जुन ने इस बार अपने आप को साबित किया है, उन्होंने अपने पे बहुत मेहनत की है। और तारा सुतारिया ये दोनों मतलब बोलते हैं ना लड़कियों ने कमाल कर दिया है, वैसा है। दोनों का काम बहुत अच्छा है, दोनों लड़कियों का, दोनों काफी खूबसूरत भी लगी है। और जो पैकेज है पिक्चर का पूरा, जो शॉट्स हैं, जो सीन्स दिखाए हैं, जो एक्शन है, एकदम भरपूर है, मतलब अच्छा मजेदार है। ओके, को अट्रैक्ट करेगा। ये बताइए, लव स्टोरी भी है फिल्म के अंदर और एक रिवेंज भी है और एक अलग चीज भी बताने की कोशिश की गई है, जिस वजह से फिल्म का नाम एक विलन भी रखा गया है। तो बताइए, वो नेगेटिव चीजें जो बताई गई हैं फिल्म में, वो कितना लोगों को रिलेट कर सकती है, पूरी कहानी कितना रिलेट कर सकती है लोगों को? एक्चुअली क्या हो रहा है ना आजकल है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना ब्रेकअप्स की बहुत सारी रीजंस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स में लोग जान दे रहे हैं। तो एक वजह होती है कि अगर हम पॉजिटिव है तो हम सोचते हैं कि हम अपने प्यार करते हैं हम, लेकिन ईमानदार है प्यार के लिए। और एक होता है कि भाई हम इसको मेरा नहीं हुआ था किसी का भी नहीं होगा, तो जो मेरा तो नहीं हुआ किसी का भी नहीं होगा वो एक विलन है, और जो मेरा है और हमेशा मैं अपना उसका ही रहूंगा वो हीरो है। ये पिक्चर का थीम है। ओके, थीम को लेके ये पिक्चर बनी है, पहली भी बनी थी और अभी पार्ट 3 भी बनने वाली है। ओके ओके, और एक चलिए आपने ये थीम बताया ऐसा है, एक कहीं ना कहीं एक मैसेज भी होता है, एक ऑब्जर्वेशन नाम की भी चीज़ होती है जो हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, वो क्या आपने समझा है इसमें? मतलब जैसे एक चीज़ ये है कि एक तरफा प्यार का कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि किसी के दिल से मत खेलो, मतलब टाइम पास के लिए कि गिफ्ट्स मिलेंगे, तारीफ मिलेगी, और उसके बाद दिल से खेल रहे हो, फिर वो कभी कभी बहुत बुरा अंजाम लेके भी आता है। पिक्चर में वो भी दिखाया है ना, एक यूथ को एक सबक है कि जो प्यार को लोग खेल समझते हैं तो वो कभी कभी जान के लिए भी खेल बन जाता है, वो इस पिक्चर में दिखाया है। ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छे से बनाई है इन्होंने, सबको पेश भी अच्छे से किया है, एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है सबने। यानी आप ये कह रही हैं कि जो एक तरफा प्यार है उसका इमोशन बहुत ही स्ट्रोंग होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो इमोशन है कहीं ना कहीं निगेटिव वे में भी चला जाता है। हमें जरूरत है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल करें, राइट। अगर हम सामने वाला प्यार नहीं करता है तो अगर तुम करते भी तो उसको पॉजिटिव वे में लो, ये नहीं कि उसको मार डालेंगे, पैसे डाल देंगे या अरे आप रे। हाँ, एक रियल लाइफ में जैसा होता है, फिल्म में तो अलग है। फिल्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिल्म में भी मतलब वही दिखाया कि वो इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि मतलब प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।